इंदौर के होलकर स्टेडियम में बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर, कई वर्तमान क्रिकेटर, क्रिकेट प्रशासक और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े कई लोग सुबह और शाम को होलकर स्टेडियम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि वॉक करते हैं। वे इन दिनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरत अंगेज हो जाते हैं, जबकि पूर्वी गैलरी की ओर से गुजरते हुए बास्केटबॉल एकेडमी की ओर उनकी निगाह दौड़ती है। वहाँ एक जाली रखी हुई है जिस पर सेंट्रल जेल का बोर्ड लगा हुआ है। नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी में लगा यह बोर्ड सबको चौंकाता है, और सबसे बुरी बात यह है कि एनबीए की ओर से इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि एनबीए कोई जेल नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रश्न उभरता है कि यहाँ हर साल जो गरबे होते हैं उसमें कोई नाटक नौटंकी खेलने के लिए सेंट्रल जेल का बोर्ड लगाया गया, लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट पर यह शोभायमान नहीं है, ये शर्मिंदा करता है। मैं गौरीशंकर दुबे जब वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ग्लोबल वेब टीवी के लिए यह खास रिपोर्ट प्रस्तुत की। वास्तव में यह सेंट्रल जेल नहीं है, इंदौर की बास्केटबॉल एकेडमी है। ये जो सीन मैंने आपके लिए लिया है यह इंदौर की बास्केटबॉल एकेडमी का है। ये बात समझ नहीं आ रही कि सेंट्रल जेल का यह बोर्ड किसने लगा दिया है। एक जाली रखी हुई आप पूरा देख सकते हैं, स्टैंड है, इस पर सेंट्रल जेल का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ जेल हो इसका कोई कारण ही नहीं हो सकता। ये तो खेल संकुल है। ये देखिए सेंट्रल जेल का बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है, और जिस स्थान से दृश्य को लिया गया तो वह इंदौर का होलकर स्टेडियम है। यहाँ आप फ्लड लाइट देख सकते हैं। ये देखिए ये बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स है। मैं बोर्ड के आगे जा रहा हूँ, और ये देखिए होलकर स्टेडियम है जो कि बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स के पास में है। यह फ्लड लाइट होलकर स्टेडियम का, ये देखिए यह होलकर स्टेडियम का नज़ारा है। यहाँ दिख रहा जैन भाया स्टैंड। एक बार फिर आपको उसी जगह ले चलता हूँ जहाँ की सेंट्रल जेल का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए बास्केटबॉल एकेडमी साफ दिखाई दे रही है होलकर स्टेडियम से। ये देखिए यह सेंट्रल जेल का बोर्ड। ग्लोबल हेराल्ड वेब टीवी का यह विशेष शो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। कृपया हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।